हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्विज़ प्लगइन के बारे में, और क्विज़ वेबसाइट जैसे बनाते हो तो क्विज़ कैसे सेटअप करते हैं, सबसे इजी एंड आसान तरीके बताएंगे जो बिगिनर फ्रेंडली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने में बता देता हूँ। आपको यह जो प्लगइन ऑप्शन में जाके यह क्विज़ सर्च करना है। सर, क्विज़ सर्च करोगे इसमें सबसे अच्छा प्लगइन जो है आपको दिखा देगा। जैसे मैं जो प्लगइन के बारे में बात कर रहा हूँ, HD प्लगइन, आपको ये प्लगइन भी बहुत अच्छा है। मैं ये थोड़ा एडवांस लेवल, अगर अगर नया, बिल्कुल नया हो तो उसके लिए थोड़ा ये प्लगइन थोड़ा डिफिकल्ट है, वो सेटिंग करना नहीं आता। जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इसमें, पहले कोई भी प्लगइन से आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ा क्विज लिखना आ जाएगा, फिर आपको फर्स्ट वाला ट्राई कर सकते हो। लेकिन जो एकदम बिगिनर फिलहाल नया है उसके लिए ये वाला बेस्ट है। अब इसमें 2-5 दिन प्रैक्टिस कर लेना, फिर एडवांस लेवल का ये इस वाला प्लगइन जो क्विज एंड सर्वे वाला मास्टर है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसको सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। इसमें मेरे को इतना फीचर, पॉइंट वाला फीचर नहीं मिला, लेकिन इसमें मिला, ये भी बहुत ही अच्छा है, प्योर बिगिनर फ्रेंडली है। तो मैं इसके बारे में बताऊँगा, HD क्विज के बारे में। मैंने पहले से एक्टिव करके रखा कि वो टाइम बचाने के लिए। तो मैं यह आता हूँ, फिर इसमें मैं क्विज में जाता हूँ। क्विज में जाने के बाद आपको क्या करना है, ऐड ए न्यू क्विज। मैं इसमें पहले से नोटपैड में सारे कुछ लिख के रखा हूँ कौन सी क्विज बनाना है। तो मैं जनरल नॉलेज का पहले बताता हूँ, मैं जनरल नॉलेज का पहले बताऊंगा। तो आपको यहाँ जनरल नॉलेज लिखने के बाद आपको एंटर, प्रेस एंटर करना है। जैसे एंटर कर लिया तो आपको यह क्विज़ का जो नेम टाइटल है उस दिखाई देगा। अभी इसको क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद ऊपर जाना है, ऐड ए न्यू क्वेश्चन, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ क्वेश्चन सेट करूँगा, 3 क्वेश्चन, एकदम ईजी है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा है विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने टाइप कर दूंगा विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आंसर में मेरे को डालना है, आंसर में इसको टाइप करके रखा दिल्ली, तो इसमें दिल्ली डालना है आपको। एक में दिल्ली, एक में क्या है पुणे, एक में पटना है, पटना, दूसरा पुणे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप थोड़ा फॉलो करना। उसके बाद एक में मैं कलकत्ता डाल दूंगा। तो ये मेरा हो गया 1 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। अभी इसको आपको क्या करना है, सेव क्वेश्चन में क्लिक करना है। और उससे पहले आपको एक बार चीज़ ध्यान रखना है, इसमें मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस में आपको मल्टीपल चॉइस इमेज रख सकते हो, इसमें इमेज ऐड कर सकते हो, सिलेक्ट टेक्स्ट कर सकते हो, बेस ऑन आंसर कर सकते हो। तो मैं फर्स्ट मल्टीप्लाई मल्टीपल टेक्स्ट जो है उसको बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई, जो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आंसर हो। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इमेज का भी बारे में बताऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो और भी अच्छा सीखोगे इसमें। तो इसको हो गया मेरा 1 क्वेश्चन ऐड, और मैंने इसको कर दिया सेव। सेव क्वेश्चन सेव करने के बाद मैंने ऐड न्यू क्वेश्चन में क्लिक करना है। मैं दूसरा सेव करता हूँ, उसमें दूसरा में मैंने विच इज़ द नेशनल फूड इसको लिखा। मैं 3 क्वेश्चन को ऐड करूँगा यहाँ। तो 1 क्वेश्चन मैंने ऐड करना दिखा दिया, दूसरा क्वेश्चन में मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ उसको। क्वेश्चन सेट मेरा, 3 क्वेश्चन मैंने सेट किया। अच्छा, सेट करने के बाद मैं बैक टू द क्विज में जाऊंगा, इसमें पूरा क्विज में जाऊंगा मेन। ये मेरा हो गया क्विज सेट। अभी क्विज सेटिंग में जाना पड़ेगा आपको। सेटिंग में जाके आपको जो नंबर है, मैंने यहाँ 70% रखा, तो मैं इसको परसेंटेज देता हूँ, परसेंटेज मैं 70% रखूँ। तो हाइट ऑल क्वेश्चन इसमें क्लिक नहीं करना है, आप इसको हाइट करोगे तो क्वेश्चन को हाइट हो जाएगा। तो यह जो पांच टेक्स है आपको लिखना है। जैसे आप टेक्स देना चाहते हो, कोई बंदा आंसर करने के बाद जैसे उसको कुछ मैसेज मिलना चाहिए, तो मैसेज कैसे मिलेगा मैं बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, वेरी गुड, वेरी गुड,
इसमें जो फेल होगा ट्राई नेक्स्ट टाइम, ठीक, ट्राई नेक्स्ट टाइम, इसको मैं करता हूँ सेव। अच्छा, इसको करने के बाद मैं आपको क्या करता हूँ, आप ये जो कोड है ना, मैं और भी फीचर्स बताऊँगा, आप ध्यान से देखना। इस कोड को मैं करता हूँ कॉपी, इस कोड को मैं करूँगा कॉपी। उसके बाद आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखना पड़ेगा, जैसे एक पोस्ट है, पोस्ट में आपको जैसे न्यू पोस्ट करोगे ना, इसको पोस्ट में आपको सेटअप करना है कोई भी पोस्ट के बारे में। जैसे आप एक जनरल नॉलेज का पोस्ट बना रहे हो, तो उसमें मैंने क्या करता हूँ, आपको एक जनरल नॉलेज का, जैसे अब इसको क्विज क्या बनाया था, जनरल नॉलेज। अब इसमें क्या करना है आपको, उस कोड को, ये जो कोड है, इस कोड को आपको पेस्ट करना है यहाँ। यह कोड को जैसे पेस्ट करोगे तो कोड पेस्ट हो गया, फिर इसको सेव एंड ड्रॉप करना है। सेव एंड ड्रॉप जैसे करोगे, सेव एंड ड्रॉप करोगे तो इसको एक बार प्रीव्यू हम देख लेते हैं कैसे दिखता है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अभी इसको, इसमें और भी फीचर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। पहले एक बार चेक करता हूँ ये कैसे बना है, तो मैंने इसको डेली आंसर दे दिया और इसमें मैं मैंगो डाल दिया, उसके बाद इसमें मैं टाइगर डाल दिया और इसमें फिनिश किया। तो देखो, फिनिश करने के बाद मेरे को देखो सारे आंसर सही दिया उसका आ गया जवाब। अब इसमें और भी फीचर मैं सेट करना बताता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद कोई सेटिंग में आपको ये रिजल्ट तो दिखा दिया, अभी इसको मार्किंग में जाना है, शो द करेक्ट आंसर एक्रोमेंस शो करना है इसको। उसके बाद इमीडिएट मार्क आंसर करेक्ट, इसको भी आपको ओके करना है, स्टॉप इसमें भी करना है, और ठीक है। इसमें आपको देना है टाइमर, टाइमर आप 60 सेकेंड बेस्ट है मेरे हिसाब से, 60 सेकेंड बेस्ट है, 60 सेकेंड दे सकते हो। और इसमें एडवांस लेवल में देखता हूँ क्या क्या है आपको, ये शेयर वाला जो पेज है, शेयरिंग योर क्वेश्चंस, तो इसमें ये बटन रखना है, तो शेयर द क्विज रिजल्ट और शो द रिजल्ट एंड एबोव, तो मैं इसको एबोव में ज़्यादा से बिलो में पसंद करता हूँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जितना है, यूजफुल ऑफ क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन हमको दिखना चाहिए। तो आपको तीन आंसर दिया है आपने, तो हम तीन ही कर देते हैं और इसमें करते हैं हम सेव। टाइमर मैंने सेट कर दिया, देखते क्या सेविंग आता है इसमें। जैसे सेटिंग आता है तो मैं इसको न्यू पोस्ट में जाता हूँ और एक बार सेव अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं इसको दोबारा प्रीव्यू करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद देखो क्या क्या ऑप्शन आ गया इसमें। तो ये हो गया मेरा क्विज, जनरल नॉलेज का स्टार्ट क्विज। यहाँ स्टार्ट करेंगे तो टेबल ऑफ कॉन्टेंट भी मेरे को दिखाएगा कौन सी क्वेश्चन है। ये तीन क्वेश्चन मैंने डाला है, इसमें सारे क्वेश्चन दे दिया और मैंने क्वेश्चन दोबारा आंसर भरता हूँ। इसमें डालता हूँ डेली, इसके मैंगो, इसको मैं डालता हूँ टाइगर और मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं नंबर दिया था 1, तो इसमें क्या है, रिजल्ट में 3/3, तीन नंबर मेरे को 3 नंबर मिला, पर क्वेश्चन में 1 नंबर दिया था। और इसमें वेरी गुड, तो वो जो मैसेज मैंने लिखा था, और आपको शेयर बटन भी मिल रहा है ट्विटर फेसबुक, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, इसमें भी ऑप्शन है। तो मैं दोबारा जाता हूँ क्विज में, आपको और एक बार कुछ सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। मैं रिजल्ट पेज में बताता हूँ, रिजल्ट पर 70% ये बता रहे, आप इसमें नंबर 80% भी रख सकते हो तो विजुअल होगा। इसमें आप टॉपिक में इमेज डाल सकते हो, इसमें आप फोटो लगा सकते हो, लिंक भी लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ है, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जिसमें आपको टाइमर में क्या है, टाइमर आप इसको सेकेंड के हिसाब से कम में भी ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और एडवांस लेवल में यही 2-3 है। और आपको शेयर बटन चाहिए, रैंडम आंसर ऑर्डरली, रैंडम क्वेश्चन ऑर्डरली, इसको भी आप ऑन कर सकते हो। इसमें ऑन करने से क्या होता है मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसमें आपको जैसे आप सेव करोगे, इसमें जैसे सेव करोगे, तो सेव करने के बाद आपको दोबारा इस पोस्ट में जाना है और इसको सेव एंड करना है। और मैंने दिखा देता हूँ क्या होता है, इसमें एक बार रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करोगे तो दोबारा स्टार्ट क्विज हो गया, इसमें क्विज करना है। देखो सारे क्विज आ गया, मैं दोबारा करता हूँ इसमें पुणे, इसमें मैं अंदर डालता हूँ दिल्ली,
और इसमें डालता हूँ मैंगो, आंसर करेक्ट। और गलत भी दे सकता हूँ, गलत होगा तो देखो मैं काउ में दिया लाल रेड हो गया, लेकिन तुरंत राइट आंसर भी दे दिया। इसको आप बंद कर सकते हो, मैंने वह तुरंत करेक्ट कौन सी सेटिंग में बताया था, इसमें इसमें जो एडवांस लेवल में इसमें मार्किंग इमीडिएट करेक्ट, इसको अगर बंद रखोगे तो वाला आंसर तुरंत नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे एक प्लगइन्स। अब एक बहुत ही इजी है, आप इसको एक वेबसाइट बना सकते हो। अगर इसके बारे में और भी एडवांस लेवल में आपको पॉइंट देना है, हर नंबर में नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ए टू जेड अगर, तो आप कमेंट करना, मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अगर वीडियो को पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करना।